रोशनी यार, मैं सोच रहा था कि रात को इतना लेट 12 बजे वहाँ थोड़ा अजीब सा नहीं हो जाएगा? मैंने ऐसा तो कुछ करने के लिए नहीं कहा जो पहले कभी ना किया। पहले भी तो छत पे मिलते रहे हैं ना, तो अब इतनी बुजदिली क्यों? नहीं यार, बुजदिली की बात नहीं है। यार थोड़ा सिचुएशन अब डिफरेंट है। वो पहले तो मेरी चाची का घर था, अब ससुराल है यार, थोड़ा लिहाज आ रहा है अजीब सा। बीवी घर पे बैठी हुई है और यहाँ पे हाथों में हाथ डाल के मेरे साथ बैठे हुए, इस बात में लिहाज नहीं आ रहा है? रोशनी, तुम्हारा पता है मसला क्या है उमर? क्या? तुम्हें आ रहा है मजा? कैसा मजा? नई नवेली दुल्हन घर पे बैठी हुई है और ये तस्कीन नहीं है कि पुरानी माशूक अभी भी तुम्हारे हाथ में है। कैसी फजूल बातें कर रही हो यार। और तुम फजूल हरकतें कर रहे हो। मैंने नहीं कहा था तुम्हें कि माहीन अब तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे घर की इज्जत है, तुम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करो, साथ खुश रहो और मुझे फोन नहीं करना। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था रोशनी, मैं जानता हूँ तुम तो मुझे कह रही। लेकिन तुम ना माने। तुमने कहा रोशनी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, माहीन को मैं अपनी बीवी नहीं मान सकता। अगर माहीन को अपनी बीवी नहीं मान सकते तो उसकी माँ के घर को खुशी खुशी ससुराल क्यों मान रहे हो? अच्छा ये बात नहीं है, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि बात सिर्फ ये है कि तुम दोनों तरफ खुश रखना चाहते हो और ये एहसास जुर्म तुम मेरे सर पे डालना चाहते हो कि मैं हूँ वो लड़की जो तुम्हारा घर नहीं बसने देती। किस नहीं यार, तुम मुझे एक ही दफा छोड़ दो ना ताकि मैं मर जाऊँ। तुम क्या बोल रही हो? तुम जानती हो कि तुम्हें छोड़ के मैं ही मर जाऊंगा। एक दफा अलग होंगे, एक ही दफा मर जाऊंगी मैं। मेरे साथ रहोगे, मुझे एहसास दिलाओगे मुझसे दूर रहने का, तो मैं रोज मरूंगी। अगर मुझे पसंद करते हो और मुझे जाने भी नहीं देना तो मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? मुझे भी तो पता हो जिस लड़के के लिए मैंने इतना कुछ ठुकराया, इतना कुछ छोड़ा, वो मेरे लिए भी कुछ करने का हौसला रखता है। तुम सही कह रही हो। I'm sorry। ठीक है, तुम जैसे कहोगी जहां कहोगी मैं आ जाऊंगा। बस forget it, I don't care। Promise? हाँ यार, वहां तो बंद करो, रोक ही रही है। रुला दिया मुझे। ऐसे रोते हो ठीक लगता है। कुछ मंगवा लेते हैं। खीर बहुत मज़ेदार है भाई। ये तुम्हारा इनाम। इसकी क्या जरूरत है बेटा? ले लो, रसम होती है ये। थैंक यू ताया जी। हाँ, बांट दिया मोहल्ले में? हाँ, वो भाईजान का ड्राइवर आ रहा है, मैं सोच रही हूँ उसी के हाथ भिजवा देती हूँ, वो आपा के यहाँ पहुँचा देंगे। उमर तो आया नहीं अभी तक, वरना वही देकर आता। अरे इतवार के दिन तो घर पे टिक जाता, अब यकीनन तुमने किसी काम से भेजा होगा। अरे मैं क्यों भेजने लगी? लो उमर भी आ गया। उमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। ले पूछ ले अम्मा कि माँ ने किस जरूरी काम से भेजा था इसे। कहाँ थे भाई तुम? वो अब्बा एक काम था। इतवार के दिन काम? दोस्त का काम था। दोस्तों के काम आना, घर वालों के काम तो कभी ना आना। तो पता भी था ना आज खीर बनवाई की रस्म है, 10 जगह खीर देकर आनी पड़ी। वो मंसूर को तो ना कील ठोक कर बिठा दिया उसकी बीवी ने, वो तो हिलने के काबिल भी नहीं रहा। मुझे ही देकर आनी पड़ी हर जगह। अरे अब कहाँ जा रहे हो? रसम तो ये थी कि पहला चम्मच उमर चखता। जा बेटा, जा चम्मच लेकर आ। क्या हो गया रसिया? भाई गया होगा कहीं, सब दोस्तों को तो जानती हो तुम तो।